पुत्र कनिष्क, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? वो तुम्हारे पिताश्री है। नहीं मां, आप अपने अधिकारों को छिनता देख मौन रह सकती हैं, किंतु मैं नहीं। इक्कीस वर्षों तक आप यहां की महारानी रहे, किंतु तक्षशिला कुमारी के वापस लौटते आपसे आपके सारे अधिकार छीन लिए गए। समझिए मां, कि आपके पति और मेरे पिता उसी समय से नहीं रहे जिस समय से इनके जीवन में पुरु आ गया। अब केवल इनके लिए पुरु की प्रसन्नता ही महत्व रखती है। मेरे लिए इनका प्रेम, मेरा अधिकार, मेरा मान, मेरा सम्मान, सब कुछ मुझसे छीन कर इन्होंने पुरु को दे दिया। बचपन से यही जाना कि पौरव राष्ट्र का अगला महाराजा मैं हूं, किंतु अचानक दस्यु लोक से कोई लड़का आता है और ये उसे सब कुछ सौंप देते हैं। गुरु के आने के पश्चात बहुत कुछ बदल गया है मां, जीवन का द्वंद्व भी और पिता पुत्र का संबंध भी। एक बालक के हाथों से खिलौना छीनकर अगर दूसरे बालक के हाथ में दे दिया जाए तो वो रोता है, पर कुछ देर बाद वो मान भी जाता। किंतु आपने तो मेरा सपना ही छीन कर पुरु को दे दिया। मेरी आंखों से बहते लहू के आंसू नहीं दिखे आपको? जिस पुत्र को आप मरा समझ बैठे वो अचानक लौट आए तो आप सब कुछ भूल बैठे। आपने उस पुत्र के लिए उस पुत्र का अस्तित्व मार डाला जो अब तक आपके साथ था। मुझे तुमसे कोई अधिकार नहीं छीना पुरुष, गुरु तुम्हारा ज्येष्ठ है, सिंहासन का पात्र भी। ज्येष्ठ तो ताऊश्री भी थे ना, फिर आपने सिंहासन पर बैठना क्यों स्वीकारा? अधिकार ना मिले तो उसे छीन लेना अपराध नहीं, वीरता है। और मेरी दृष्टि में सिंहासन का पात्र मैं। यदि आपकी दृष्टि भ्रमित है तो मुझे आपको इस सिंहासन से अपदस्थ करना पड़ेगा। आज कुमार कनिष्क का युवराज अभिषेक था, पर अब मैं अमात्य शिवदत्त कुमार कनिष्क के राजाभिषेक की घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं। राजगुरु, कुमार कनिष्क के राजाभिषेक की विधि के प्रबंध किए जाएं।
ये राज्याभिषेक अभी होगा। भूतपूर्व महाराज और महारानी के समक्ष जिसे तुम दोनों अपनी आंखों से होते हुए देखोगे,